वेलकम बच्चों, आज का अपना टॉपिक है छठा पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का संकट। तो ये छठा टॉपिक अपन पढ़ेंगे और छठे टॉपिक के कंप्लीट नोट्स भी अपन देखेंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं इसका सिलेबस जो है वो इस चैप्टर का, इसमें अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के सिलेबस में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपातकाल की पृष्ठभूमि, उसके बाद हम देखेंगे आपातकाल की घोषणा, फिर हम देखेंगे आपातकाल के बाद की राजनीति, ओके। और इंग्लिश में आप देखेंगे सिलेबस है बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, उसके बाद है रिगार्डिंग इमरजेंसी एंड पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, और ये 5 नंबर का आपके सिलेबस में टॉपिक रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ देखते हैं, शुरू करने से पहले एक बार अपन थोड़ी सी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1971 के चुनाव जो हुए थे उस दौरान और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपातकाल की घोषणा आपको याद होगा 1975 में हुई थी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं, पृष्ठभूमि समझते हैं। 1971 के जो चुनाव हुए थे आप सबको याद होगा, उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और उसमें उनके जो उनका कैंपेन इस प्रकार का रहा था कि 71 में एक अप्रत्याशित सफलता जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कांग्रेस के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। जीत तो जाती है पार्टी, उससे पहला जो 67 का चुनाव हुआ था, चौथा आम चुनाव, उसमें कई सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो 71 के चुनाव में पार्टी जीतती है, लेकिन जो समस्याएं थी उन समस्याओं के कारण पार्टी और ज़्यादा थोड़ा परेशानी में रहती है, और फिर 1975 का समय आता है, विभिन्न समस्याओं से गुजरते। तो 1973 से लेकर के 1975 के बीच में विभिन्न जो घटी घटनाएं थी उसने भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित संस्थानिक संतुलन को नई चुनौतियां दी थी। फलस्वरूप क्या होता है, 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, और फिर आपातकाल की जब घोषणा होती है तो उसमें और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है। आपातकाल की घोषणा जो है वो देश में अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर की गई थी। अब प्रश्न ये बनता है कि भाई आपातकाल की जो घोषणा हुई थी 1975 में, कारण क्या था, क्या कारण बताया था सरकार ने? तो सरकार ने कि देश में अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनज़र जो है वो घोषणा करी थी कि देश में कुछ इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है, ऐसी आशंका थी सरकार को। फलस्वरूप 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो जाती है। तो इमरजेंसी के बाद में आपातकाल के बाद सीधा 1977 में जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में फिर कांग्रेस पूरी तरह से हार जाती है। विपक्षी जो पार्टियां थी वो विपक्षी पार्टियों ने इस माहौल को इस तरीके से क्रिएट किया कि लोगों को जो है एक तरफ कर दिया अपनी तरफ करके, और कांग्रेस पार्टी जो है वो पहली बार 1977 के लोकसभा चुनाव में हार जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि अब 1971 के बाद की राजनीति, ठीक है, 1971 के बाद की राजनीति को देखते हैं। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये जो समय था, 21 महीने की अवधि के लिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 के प्रावधान के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देकर के देश में आपातकाल जो है वो लगा दिया था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। बच्चों आपको याद होगा हमारे संविधान में 3 तरह के की इमरजेंसीज लगाई जाती है। एक तो है अनुच्छेद 352, एक तो है अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, और एक है अनुच्छेद 360। तो ये जो अनुच्छेद 360 है ये तो है वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है, और 356 राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और अनुच्छेद 352। तो अभी जो आपातकाल जो लगाया था 1975 में वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था। आपातकाल में देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त केंद्रीय शक्तियां जो है वो केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी शक्तियों का हस्तांतरण हो जाता है। इस आपातकाल में राज्यों की समस्त शक्तियां सेंटर अपने हाथ में ले लेता है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों की बात हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो देख लेते हैं इसको, कि हमारा जो संविधान है उसमें 3 तरह के आपातकाल की बात हुई है, और वो आपातकाल है, पहला तो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352,
दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, जो देश के किसी एक भाग पर या किसी राज्य पर या राज्य के किसी एक भाग पर लगाया जा सकता है, वो होता है 356, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और तीसरा जो आपातकाल होता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, ये अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। और ये जो है जो इकोनॉमिक आर्थिक आपातकाल इसे कहते हैं। अब आपातकाल लागू होने के प्रमुख कारक क्या क्या थे, ये जो आपातकाल लगा क्या क्या परिस्थितियाँ थी, किस किस प्रकार की परिस्थितियाँ उस समय हुई थी कि आपातकाल लगाने की कंडीशन बनी थी। तो अगर इन परिस्थितियों को अगर हम मोटे तौर पर अलग अलग कारकों के रूप में अगर विभाजित करें, अलग अलग भागों में विभाजित करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसे कारक थे जो आर्थिक कारक थे। तो आर्थिक कारक थे इसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो छात्र आंदोलन में रहे थे, आपको याद होगा गुजरात का छात्र आंदोलन, बिहार का छात्र आंदोलन 1974, और उसके बाद अपन देखेंगे नक्सलवादी आंदोलन, है ना, मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह जो था एक, उनकी भूमिका भी रही थी इस आपातकाल को लगाने में। फिर रेल हड़ताल हुई थी जो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक रेल हड़ताल का आह्वान हुआ था जो 21 दिन तक चली थी, और अंततः जो है वो बिना किसी निर्णय के जो है हड़ताल वापस ले ली गई थी, और न्यायपालिका के साथ संघर्ष चला था। तो ये सारी परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों ने आपातकाल लगाने के लिए एक प्रकार से जमीन तैयार कर दी थी। तो अब एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, एक एक करके हम आर्थिक आपातकाल को देखेंगे, आर्थिक जो कारक थे आपातकाल लगाने के उनको देखेंगे, छात्र आंदोलन देखेंगे, ऐसे करके एक एक सारी चीज अपन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक कारक, क्या क्या चीजें रही थी, क्या क्या आर्थिक कारक थे इस आपातकाल को लगाने के लिए जिम्मेदार। तो पहले अगर हम बात करें आर्थिक कारकों की, तो आर्थिक कारक में देखेंगे कि 1971 के चुनाव में जो 1971 का जो इलेक्शन हुआ था, इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था और काफी ज्यादा सीटों के साथ में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई थी। तो इस चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कुछ खास नहीं कर पाया था। मतलब इन्होंने नारा तो दिया था, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 71 के चुनाव में, सरकार बनी थी, लेकिन ये जो नारा दिया था ना, इस नारे से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाद की परिस्थितियों में कुछ विशेष सुधार नहीं आया, कोई गरीबी हटी नहीं। तो लोगों में एक तो था कि भाई नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी तो हटी नहीं। दूसरा क्या था कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस भारत और पाकिस्तान के युद्ध के साथ बांग्लादेश का निर्माण होता है, तो बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी बोझ पड़ा था। उस युद्ध में उस बांग्लादेश संकट के कारण भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा था, तो ये कारण भी था। और जब ये बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था या फिर जो युद्ध चला था, उस युद्ध में तकरीबन 80 लाख से ज्यादा लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ गए थे शरणार्थी के रूप में, तो ये शरणार्थियों की बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने पैदा हो गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था पूर्वी पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना था, तो यहां से कम 80 लाख लोग भारत आए थे। पाकिस्तान से युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया था, तो क्योंकि भारत के पास उस समय भारत इतना समृद्ध नहीं था, अनाज के लिए परेशानी थी भारत के पास, और ये जो युद्ध का सामान जो है वो भारत को लेना होता था दूसरे देशों से, विशेष करके अमेरिका, रूस आदि से, तो अमेरिका ने तो पूरी तरह से मना कर दिया था। अमेरिका ने बाकी जो सहायता थी वो भी नहीं दी, भारत को देना बंद कर दिया था। उसके अलावा क्या होता कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें बढ़ी। आखिरकार क्या होता है कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं ना, तो बाकी सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तेल के दाम बढ़ने से यातायात महंगा हो जाता है, यातायात महंगा होने से चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजते हैं उसमें खर्चा बढ़ जाता है। तो तेल की कीमतें बढ़ने से बाकी सारी चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई थी। उसके बाद औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी, औद्योगिक विकास की दर काफ़ी धीमी हो गई थी, तो बेरोजगारी की समस्या, रोजगार के अवसर बहुत कम हो गए थे, तो बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई थी, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे, तो लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ गया था। उसके बाद सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था, तो सरकारी कर्मचारी भी इसके खिलाफ हो गए। ये सारे कारण जो है वो
इस प्रकार का माहौल क्रिएट करते हैं कि लोगों में एक असंतोष की भावना पैदा हो जाती है, लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं और आखिरकार सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ती है। और आगे बात करें, और भी कई कारण थे, तो 1972-73 में मानसून जो है वो देश में असफल रहा था। तो जब मानसून नहीं होगा, बारिश नहीं बरसेगी, तो फसलें जो है वो फसल उत्पादन पर बिल्कुल सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो उसमें जो कृषि पैदावार में जो है वो क्या होता है भाई, कृषि पैदावार में गिरावट आ जाती है और पूरे देश में असंतोष का माहौल पैदा हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे और देखेंगे तो गैर कांग्रेसी जो पार्टियाँ थी, इन समस्त गैर कांग्रेसी पार्टियों ने भाई जो है वो बड़े कारगर तरीके से सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया, है ना। इन्होंने जो है वो कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की थी, लोगों का जो विरोध था उसको एकत्र किया, इकट्ठा किया इन राजनीतिक पार्टियों ने। और संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता भी इसमें बढ़ गई थी, विशेष करके पश्चिम बंगाल में ये लोग काफ़ी सक्रिय हो गए थे, जो संसदीय व्यवस्था में जिनका विश्वास नहीं था ये भी सरकार के खिलाफ हो गए थे। इनको भी थोड़ा अपने काम को बढ़ावा देने का जो है वो जोर मिल गया था। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठा लिए थे। किसने उठा लिए थे? ये जो मार्क्सवादी समूह था, मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह, विशेष के पश्चिम बंगाल में इनका जो है वो प्रभाव बढ़ने लगा था। तो इन्होंने हथियार उठा लिए थे और एक प्रकार से हिंसक आंदोलन हो रहा था। और ये समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी, जो जिसे हम माओवादी या नक्सलवादी के नाम से भी जानते हैं, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट हुई थी। ये तो हमने देखा, एक कारक देखा है, आर्थिक कारक। क्या क्या सारी चीज़ें थी हमने देखी कि आर्थिक कारक किस तरीके से लोकसभा आर्थिक कारक किस तरीके से जो है वो देश में इमरजेंसी लगाने के लिए जिम्मेदार रहे थे। अब नेक्स्ट हम यहां पे पढ़ेंगे छात्र आंदोलन की। अगर हम बात करें तो उस समय दो राज्यों में, गुजरात में और बिहार में, गुजरात में और बिहार में छात्र आंदोलन हुए थे। 1974 की बात है, 1974 में। और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार के लिए इन लोगों ने काफ़ी परेशानियां जो है वो क्रिएट की थी। तो बिहार और गुजरात दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो पहले हम बात करेंगे गुजरात में छात्र आंदोलन 1974। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि ये जो कंप्लीट नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। उस ऐप में हमने ये कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, हालांकि सारे सब्जेक्ट्स के हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। इस कोर्सेज में हम आपको कंप्लीट ये नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में हम आपको नोट्स अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा हमारे सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा वहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, है ना, ऑनलाइन क्लास आपको वहाँ पर मिलेगी, मतलब लाइव क्लास जो हमारी होती है वो आपको मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देखकर के आप अपनी तैयारी जान सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट आंसर कौन सा है, गलत कौन सा है, कितने आपने क्वेश्चंस अटेंड किए, उसमें से कितने नंबर आपने प्राप्त किए, कितने सवाल राइट हुए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पार्ट के, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन आपकी किताब के और किताब के अलावा, और फिर वहाँ पे एमसीक्यूज टाइप के आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर आपको का कंप्लीट कोर्स। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए, जिस मोबाइल नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। उस लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप के पर हम जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उस चैप्टर के पीडीएफ आपको उस दिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। तो हमारा नंबर है 9079622989, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अब हम दूसरा इसका जो कारक है, दूसरा कारक है छात्र आंदोलन जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो बात हम करेंगे पहले गुजरात में छात्र आंदोलन 1974।